सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल स्टडी पॉइंट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन समझने लायक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल इससे संबंधित बहुत सारी घटनाएँ सामने आ रही हैं जिससे कि इस टॉपिक की महत्वपूर्णता और बढ़ जाती है। तो ये टॉपिक है मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग आपने शब्द कोई पहली बार सुन रहा होगा या फिर आपने सुना, घटनाएं तो सुनी होंगी, लेकिन एक इसके लिए एक स्पेशल नाम लिया जाता है मॉब लिंचिंग का। तो मॉब लिंचिंग क्या है, जो हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाएँ जिससे कि आप हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स पा सकें और आप अपडेट रह सकें। तो शुरू करते हैं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग होता क्या है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट, आजकल बहुत सारी घटनाएं हुई है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और भविष्य में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या अभी हाल ही में UBPCS का पेपर होने वाला है तो उसमें अगर ये टॉपिक लिखने के लिए आ गया कि मॉब लिंचिंग है क्या, ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मॉब लिंचिंग तो क्या है, मॉब लिंचिंग तो देखिए, भीड़ द्वारा एकत्रित होकर के किसी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या करना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। आजकल हाल ही में आपने सुना होगा कि भीड़ ने बहुत जगह, ये हुआ है कि भीड़ ने बहुत एक जगह 5 महिलाओं को असम में बच्चे चोरी के आरोप में या बच्चे चोरी गिरोह के शक होने के आरोप में मार डाला था, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसी को ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। भीड़ द्वारा एकत्रित होकर के किसी भी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या करना मॉब लिंचिंग कहलाता है। इसके लिए एक स्पेशल शब्द बना हुआ है, मॉब लिंचिंग। लिंचिंग का तात्पर्य, लिंचिंग तो इंग्लिश में हो गया, लिंचिंग का तात्पर्य हिंदी में कहा जाता है कि मारपीट करके या भीड़ द्वारा किसी की पीट पीट करके हत्या करना ही लिंचिंग कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए, मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति की या किन्हीं व्यक्तियों की पीट पीट कर हत्या करना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। आजकल आपने देखा होगा असम में ये घटना हुई है और झारखंड में ये घटना हुई है, राजस्थान के अलवर में ये घटना हुई है, तो इसी घटना को मॉब लिंचिंग कहा गया है। किसी व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या किसी अफवाह के कारण या फिर किसी जो भीड़ है, जो भीड़ तंत्र है, जैसे हम कहते हैं ना कि लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, हमारा तंत्र, जो ये यहाँ पर भी लिखा गया है, देखो लोकतंत्र, जो लोगों का तंत्र है उसको लोकतंत्र कहते हैं, तो इसे कहा जाता है भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र मतलब भीड़ का तंत्र। भीड़ अगर एक जगह इकट्ठी होगी तो तब ना वो किसी की सुनती है, ना उसकी कोई शक्ल होती है, ना उसका कुछ नाम होता है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि अपने हाथ में ले लेती है और अपने आप ही उस पर आरोप लगाएगी कि आपने ये किया है, ठीक है। और जैसे कि बच्चा चोरी के रूप में है, वो भीड़ को पता ही नहीं है कि ये रियल में है क्या, लेकिन उनके दिमाग में ऐसा है कि ये बच्चा चोर गिरोह है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, खुद उसी का न्याय कर लिया, उस पर खुद ही आरोप लगा दिया कि ये बच्चा चोर गिरोह है और खुद ही उसका न्याय कर दिया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी बच्चा चोर गिरोह के रूप में। ऐसी घटना एक अलवर राजस्थान में हुई थी आजकल ही, जो गौ तस्करों के रूप में, जो गौ रक्षा वाले हैं, उन्होंने क्या किया था कि कुछ लोग जो गायों के ले जा रहे थे तो उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसे ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। भीड़ द्वारा खुद ही उन पर आरोप सिद्ध किया जाता है और खुद ही उन पर उनको न्याय दिया जाता है, मार मार करके, पीट पीट करके जब उनकी हत्या हो जाती है तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिएगा और नोट कर सकते हैं आप लोग, वैसे ध्यान रखिएगा। भीड़ द्वारा किसी को पीट पीट कर मारना ही अंग्रेजी में लिंचिंग कहा जाता है। भीड़ द्वारा किसी को पीट पीट कर मारना ही लिंचिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जब ये लिंचिंग की घटनाएं हैं तो इनका कारण क्या है, इनका महत्व, एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि सोशल मीडिया, जो आजकल ये सब सोशल मीडिया और सब ये डिजिटल इंडिया हो रहा है, जो डिजिटल भारत हो रहा है, तो ये इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण ये है कि सोशल मीडिया, फेसबुक जो है, व्हाट्सअप, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो है, तो ये क्या करते हैं कि एक कुछ मैसेज या वीडियोज़ डाल दिया अफवाह कि आज यहाँ ये बच्चा चोर गिरोह है, ये या कुछ है, ये गौ तस्कर कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि भीड़ इकट्ठी हो जाती है, किसी भी अब किसी को अफवाह भरे मैसेज मिल गए, एक टाइम पे सब लोगों को फैल गए,
तो वो क्या करती है, उस एरिया के लोग जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस एरिया के लोग जमा होने के बाद उग्र रूप धारण कर लेते हैं कि हाँ यही सब कुछ है, मतलब यही है, गौ तस्कर भी यही है और जो बच्चा चोर ग्रह है वो भी यही है। तो सबसे मुख्य कारण है अफवाह, अफवाह वाले मैसेज का फैलना, ठीक है। इसका प्रमुख कारण यही है कि अब एक हमने किसी को मैसेज फैला दिया, उसने दूसरे को फैला दिया, ऐसे में तो ये सोशल मीडिया का जो है बहुत बड़ा रूप इसमें है कि ये मुख्य कारण, मॉब लिंचिंग का कारण यही है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे अफवाह वाले मैसेज, इनका कारण यही है। फेसबुक, व्हाट्सएप, जो इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर वगैरह जो हैं, इनका क्या है कि ये क्या करते हैं, ये इस पे लोग क्या करते हैं, अफवाह वाले मैसेज फैलाते हैं। तो इसी कारण से भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है और किसी किसी को पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है उस व्यक्ति की। यही कारण है कि वो शक के कारण उसको मार दिया जाता है कि ये ऐसा काम करने आया है, मतलब बच्चा चोरी करने या फिर गौ तस्करी करने। तो उसमें क्या करती है भीड़, उसको मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती है जब तक उसकी हत्या ना हो जाए, मार मार के ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो लिंचिंग को रोकने के लिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि संसद को लिंचिंग पर अलग से कानून बनाने का सुझाव दिया गया है। तो क्या हुआ कि संसद को क्या क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, तो उसमें कहा गया है कि संसद इस पे एक अलग से कानून बनाए, ठीक है। इसका सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगर यह समस्या रोकी नहीं गई तो यह प्लेग की महामारी की तरह फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर अगला है, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना या इस तरह के अफवाहों वाले मैसेज को फैलाने से रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगला, सोशल मीडिया द्वारा अफवाहों एवं गलत खबरों की वजह से ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं और भीड़ उग्र हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि सोशल मीडिया पर अफवाहों एवं गलत खबरों की वजह से ही मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं और भीड़ ज़्यादा उग्र हो जाती है, जिससे कि ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं और किसी की हत्या हो जाती है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले मैसेज और वीडियो को रोकना भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर फैलने वाले जो अफवाह वाले मैसेज या वीडियोज़ होते हैं जिनसे भीड़ भड़क जाती है और एकत्रित होकर के किसी की हत्या कर देती है, उनको रोकना भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। राज्य सरकार इसका और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसका खुद प्रबंध करेगी। मॉब लिंचिंग के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे और ऐसे मामले 6 महीनों में ख़त्म किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मॉब लिंचिंग के मामले हैं तो ऐसे मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए और ये 6 महीनों में ही सॉल्व होने चाहिए। ये केस, ऐसे केस 6 महीनों में सॉल्व होने चाहिए। भीड़ द्वारा की गई हत्या के खिलाफ उदाहरण सेट करने के लिए आरोपियों को फांसी की सजा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भीड़ द्वारा जो हत्या की जाती है उसके लिए उदाहरण सेट करने के लिए, कि जिससे कि भीड़ थोड़ा डरे कि हमें इस प्रकार की घटनाओं को करने से पहले सोचे, आदमी जो भीड़ है वो सोचे कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने से पहले उसको उदाहरण उसके लिए उदाहरण सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए आरोपियों को, जो आरोपी होते हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो पीट पीट कर हत्या के मामले में आईपीसी की धारा 302 लगेगी। आईपीसी की धारा 302 में अधिक से अधिक सज़ा का प्रावधान है, मौत की सज़ा मतलब मृत्युदंड का प्रावधान है, फांसी की सज़ा होगी। तो इसमें जो मॉब लिंचिंग है, इसमें अगर कोई मॉब लिंचिंग होती है, किसी की हत्या होती है और उसमें आरोपियों की पहचान होती है, तो उसमें उन पर सीधे आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज होगा और इसमें फांसी की अधिकतम जो सज़ा है अधिकतम वो है फांसी की सज़ा, ठीक है। तो ये सज़ा का प्रावधान लागू होगा उस पर और जल्द ही ये पारित होने वाला है कि इस पर मॉब लिंचिंग की घटना पे फांसी की सज़ा का प्रावधान आने वाला है जल्द आने वाले मामलों में, ठीक है। जो ऐसी घटनाएं उनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया है कि ये इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि भीड़ जो ये है ये ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, ठीक है। तो 9वां पॉइंट है, हेट क्राइम में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे। हेट क्राइम में उत्तर प्रदेश, हेट क्राइम मतलब जैसे ये उकसाने वाले मामले हैं, ठीक है, जो
ये अपने वो गुस्सा निकालने वाले मामले हैं, जिससे कि किसी और की हत्या कर दी जाती है भीड़ द्वारा या खुद ही, ऐसे मामले में क्या है, जो प्रथम 2018 के प्रथम 6 महीने थे उनमें उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर है 18 घटनाओं के साथ। 18 घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं और ये सिर्फ 2018 के पहले 6 महीने तक की घटनाएँ हैं, जून तक की घटनाएँ। ऐसे में 18 घटनाएँ हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है 13 घटनाओं के साथ और राजस्थान है 8 घटनाओं के साथ। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक का संक्षेप में सार यही है कि मॉब लिंचिंग का मतलब है कि किसी व्यक्ति का, किसी भीड़ का उग्र होकर के उसकी पीट पीट कर हत्या करना ही मॉब लिंचिंग कहलाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।